हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी लोग? मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सभी लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे। और थोड़ा सा आज भी ना आवाज़ ना बहुत ही ज़्यादा अभी ख़राब है क्योंकि तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है अभी। और आप लोगों के बहुत सारे सजेस्ट भी आप लोगों ने दिए कि मैं गरारा करूँ, तो वो क्या है ना आप लोग, वो तो मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया होगा, इस वजह से आप लोगों ने बहुत मतलब आइडियाज़ दिए हैं। लेकिन मेरा गला ख़राब नहीं है, वो इस वजह से ख़राब हो गया, मेरा गला ना खांस खांस के ख़राब हो गया है। मतलब कि मुझे खांसी ना बहुत तेज़ आ रही है, तो बहुत एकदम ज़ोर से खांसी आती ना, तो उसके कारण ना गला बहुत ही ज़्यादा छिल गया। तो बहुत ही ज़्यादा सर्दी और खांसी बस है मुझे, तो थोड़े से घर पर ही मैं थोड़ा उपचार कर रही हूँ, ठीक हो जाएगा। और आज है, मैं आप लोगों को बताने ही भूल गई, सॉरी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरा रक्षाबंधन इतना लेट कैसे, तो चलिए आगे बताती हूँ। मेरा नाम है ज्योति, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज है 27 तारीख और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, मेरे भाई भाभी जो छोटा वाला है, मतलब मेरे से छोटा है पर बड़ा ही लगता है, तो वो गया था इंदौर, तो ये लोग आ चुके हैं। तो ये लगभग राखी के 3-4 दिन बाद आ गए थे, 3 या 4 दिन बाद तो बस आ गए थे। और उसके बाद ना फिर दूसरे दिन फिर मेरे घर आ गए थे, क्योंकि हम इसी बार ऐसा हुआ हैगा कि ये आ गया है, नहीं तो मैं भी चले जाती हूँ घर। और इस बार तो मतलब बात ही हो गई थी कि इस साल अब तुम्हें ही आना पड़ेगा, नहीं तो मैं नहीं आऊँगी, तो वो आ गया है। और बस यहाँ पर बच्चों की रक्षाबंधन हो रही थी, तो पहले कार्तिक की रक्षाबंधन हो गई है, उसकी बहन ने बांधी है, उसके मामा की लड़की ने। तो उसके बाद अब मेरा नंबर आता है, तो इन लोगों की राखी हो गई है और अब मैं बांध दे रही हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि राखी सिर्फ रक्षाबंधन में ही मनाई जाती है, राखी का त्यौहार तो 7 दिनों का होता है, आप लोगों को भी पता है। जन्माष्टमी तक राखी बांधी जाती है, क्योंकि जब जन्माष्टमी मनाते हैं तो हम कृष्ण भगवान को भी राखी बांधते हैं। तो वैसे मामा भांजे का ये त्यौहार होता है, तो सेम वही होता है। तो यहाँ पर ये लोग आए हुए थे और उसके बाद फिर मैंने राखी बांधी, और फिर और मैं इस वजह से भी नहीं गई थी कि मेरी तबीयत थोड़ी सी बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रही थी और आज भी है, पर क्या करें, ज़रूरी तो नहीं है कि बिस्तर पे ही लेटे रहूं, तो इस वजह से थोड़ा सा उठ कर बढ़िया नहा धोकर तैयार हो गई थी, तो थोड़ा ठीक ठाक लग रहा था। और पिछले मतलब जो रक्षाबंधन का मेरा ब्लॉग था, सच में बहुत ही ज़्यादा मुझे इतना दुख हो रहा है ना कि मतलब सेकंड बार मेरा जो रक्षाबंधन था, जो मैंने वीडियो बनाया था, बहुत ही अच्छा ब्लॉग बनाया था, बस उसमें यही मेरी मिस्टेक हो गई, मुझे वो वीडियो नहीं दिखाना था, जिस वजह से आसान हो गए, तो वो गलती हो गई, तो उसके लिए तो अब क्या कर सकती हूँ, इसी वजह से वो वीडियो को भी मुझे ऑफ करना पड़ा। मेरा इतना अच्छा वीडियो था सच में, सारे लोग उसमें थोड़े बहुत आ ही गए थे और फिर आप लोगों ने कुछ बोला ही नहीं, तो मैंने फिर उसको ऑन नहीं किया। अगर आप अभी भी ना आज मतलब इतनी भी मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं वीडियो बनाऊँ या ये करूँ, पर आप लोगों के जब आप लोग मतलब देखते हैं, बोलते हैं ना, तो फिर एक अलग ही मतलब एनर्जी हो जाती है, मेरी आ जाती है, तो फिर मैं ना वीडियो बनाना शुरू कर देती हूँ। छोटा मोटा ही वीडियो अभी आप लोगों को मिल रहे होंगे और थोड़ा सा मतलब लेट हो जा रहे होंगे, और शायद आज का भी लेट हो गया होगा, लेकिन आज का वीडियो आप लोगों को आप जन्माष्टमी तक मिल जाएगा, 2 दिन बाद ही आप लोगों को ये मिल जाएगा। तो बस फिर भी मैं ना ये सोचती हूँ कि आप लोगों के लिए कुछ बना मतलब करूँ, बनाऊँ, और रेसिपीज़ वगैरह कुछ ठीक ठाक से भी आज ना शेयर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि बस इतना ही मैंने सोचा, शूट किया, उसके बाद फिर मैं बैठ बैठ जा रही थी और बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। और फिर इन लोग आए थे तो फिर मैंने सोचा खाना भी बना लेती हूँ, तो खाना तो मैंने बता देती हूँ, नॉन वेज बना था और पनीर की सब्ज़ी। तो नॉन वेज मेरा भाई खाता है, तो वो नॉन वेज बनाया था उसके लिए, और भाभी नहीं खाती हैं, वो कुछ भी नहीं खाती हैं, नॉन वेज वेजिटेरियन है, उनके लिए मैंने पनीर बनाया था।
तो घर पे ही मैंने जो घी निकाला हुआ था उस पे से पनीर बनाया था, तो वही मैंने उनके लिए बना दिया था। तो यहाँ पर राखी वगैरह हो गई थी और यहाँ बस सबको मिठाई विठाई खिला रहे थे। यहाँ पर पापा भी आ गए थे, लंच टाइम चल रहा था इसी टाइम पे ही, मतलब ये लोग आए थे 12 बजे, और पापा का तो काम चल रहा था तो पापा आ गए थे। बस मैं चाय बनाने वाली थी, मैं इन लोगों से पूछ भी रही थी कि खाना खाओगे अभी कि चाय पियोगे, तो सब लोगों ने बोला चाय पियेंगे पहले, तो मैंने सोचा सबके लिए पहले साथ के साथ चाय बना देती हूँ, पापा भी चाय पियेंगे और सभी लोग को चाय हो जाएगी। फिर उसके बाद शाम तक रुके हुए थे, ऐसे 12 बजे आ गए थे तो शाम को वही 6-7 बजे तक रुक गए थे। तो बस दोपहर टाइम यही चल रहा था, दिन भर खाना पीना बनाना, तो यही सब। और अक्सर ज़्यादातर ऐसा ही होता है, हिम्मत हो या ना हो पर मैं पूरी कोशिश करती हूँ। वो तो खैर ऐसा आज ही हुआ है, नहीं तो ऐसा कभी होता नहीं है। तो जब भी मेरे भाभी या बहन या मतलब कोई भी आता है, मम्मी से तो थोड़ा बहुत करवा ही लेती हूँ काम, लेकिन इन लोग आते हैं ना तो मैं बिल्कुल भी अपनी किचन में ना बिल्कुल खड़े नहीं होने देती हूँ। अगर अपनी मर्ज़ी से जिद से अगर करना चाहते हैं ना तो फिर मैं नहीं रुकती हूँ, वरना मैं सोचती हूँ मैं खुद बना कर दूँ। तो मैं खुद बनाकर इन लोगों को अपने हाथ से बनाकर खिलाती बनाती रहती हूँ, और बस वहीं पर बिठा देती हूँ एक जगह। क्योंकि क्या होता है ना कि मेरी छोटी सी किचन है, तो उसमें खड़े होने में भी दिक्कत हो जाती है, कोई इधर मतलब बना नहीं पाते, समझ आप लोग समझ रहे होंगे। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि मैं बनाते जा रही हूँ तो वो नीचे का जो भी काम है, जैसे कि आटा लगाना, तो भाभी ने आटा लगा दिया था, मैंने फटाफट से सब्जियाँ वगैरह बना ली थी, उन्होंने भी मसाला भून दिया था, तो इस तरीके से काम ऐसा चल जाता है। तो क्योंकि एक साथ ना वहीं रास्ते पे, एक तो दरवाजे के सामने मेरी किचन है तो वहीं से बिल्कुल अंदर जाना आना ऐसा चलता रहता है, तो मतलब कुछ का कुछ सामान गिर जाता है, इस वजह से फिर मैं ज़्यादा किसी को आने नहीं देती किचन में। और बस यहाँ पर मैंने चाय बना ली थी, तैयार हो गई चाय, सबको चाय दे दूँगी। और इस टाइम पे ना मेरे हस्बैंड भी बहुत ही मेरी हेल्प कर देते हैं, बहुत ही ज़्यादा, किचन में तो नहीं करते हैं, बस ये है कि बहुत ही ज़्यादा बाहर के काम हो या अंदर के जो घर के काम हो, वो अगर वो ना करवाएं ना, वो अगर मेरा साथ ना दें तो वाकई में मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, तो बहुत ही हेल्प कर देते हैं। जैसे कि ये मैंने उतना ही वीडियो बनाया था, उसके बाद फिर मेरी इच्छा ही नहीं हुई क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही थी, पर मैंने फिर से नहाया जो दूसरा दिन है ना उस दिन नहाया धोया, फिर उसके बाद फिर मैं 2 बजे से यहाँ पर उन्हीं के साथ काम में लग गई, क्योंकि वो अकेले कर रहे थे तो मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था, तो मैंने साथ के साथ काम करवा लिया, क्योंकि अब यही काम बचा हुआ है अभी पलस्तर का, तो बस वही छपाई का वो बचा हुआ है, तो बस ये काम हम लोग खुद ही कर ले रहे हैं, जिसमें ना ज़्यादा मजदूर ना लगाने पड़ेंगे, इस वजह से हम लोग खुद ही कर ले रहे हैं ये काम थोड़ा थोड़ा बैठ बैठ के। तबीयत ख़राब चल रही थी पर फिर भी मैंने काम कर लिया थोड़ा बहुत। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आएगा। प्लीज़ पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।